ओके, आफ्टर रीडिंग सो मेनी कमेंट्स मैंने एक चीज नोटिस करी, वो है कि बच्चों के जो डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट है विच इज DET, बहुत ज्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं। और रिजेक्ट भी कब होते हैं, जब वो पेमेंट कर देते हैं, जिस दिन टेस्ट देना होता है उस दिन वो रिजेक्ट हो जाता है। तो रिजेक्शन के कुछ 13 या 14 रीजंस है मेरे पास, अगर आपने वो ध्यान में रख लिए तो बस मुझे नहीं लगता उसके बाद आपका ये जो टेस्ट होने वाला है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर हो भी गया तो कमेंट में बताओ मुझे, हम सब मिलके एज ए कम्युनिटी एक दूसरे की हेल्प करके सोल्यूशन बताते हैं कि कैसे आप उससे ओवरकम कर सकते हो और कैसे उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। इवन कुछ कमेंट्स में तो उसको लोग स्कैम भी बोल रहे हैं कि ये डुओलिंगो पूरा स्कैम है, बट एक्चुअली स्कैम नहीं है, एक ऐसा टेस्ट है जो आईएलटीएस वगैरह को कम्पीट करता है, यानी कि तुम्हें एक इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन दिलवाता है, एक दूसरे कंट्री में तुम्हें परमिशन देता है, वीजा दिलवाता है, तो उसके जो सिक्योरिटी लेवल थोड़ी हाई होनी चाहिए, मानते हो। तो बच्चे ही गलतियां कर देते हैं, उन्हीं गलती के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो के में कि कैसे उन गलतियों को अवॉइड करना है। और लास्ट में तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी टिप भी है, उस टिप के लिए वेट करना एंड तक। मान के चलो कि ये वेबकैम है और मैं वेबकैम के इतना पास बैठा हूँ जहाँ पे मेरा जो फेस है वो बहुत अच्छे से विजिबल है, तो इसका ध्यान रखना कि फेस अच्छे से विजिबल होना चाहिए। अब मैं काफी दूर आ गया हूँ और अब मेरा फेस विजिबल भी नहीं है और दूर भी है, तो ये हो सकता है रिजेक्शन का रीजन। तो इंश्योर करना कि तुम कैमरे के जितना पास हो सके उतना पास बैठना है। बात करते हैं लाइट्स के ऊपर, तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्जाम के अंदर। अब लाइट्स का सिंपल सा फंडा ये होना चाहिए कि देखो अभी जो तुम देख रहे हो ना, एक वेल लिट रूम नहीं है, यानी कि एक लाइट जल रही है वो भी पीछे चल रही है मेरे, जो कि मेरे फेस पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही, तो ये रिजेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए तुम्हें इंश्योर करना है कि तुम्हारे जो स्पेस होना चाहिए वो वेल लिट होना चाहिए, ठीक है। उसको कैसे बना सकते हैं, ऐसे अच्छा खासा मेरे मुंह पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, मेरा फेस ज्यादा विजिबल है, और यही चाहिए बस टेस्ट पे हमें कि फेस सबसे ज्यादा विजिबल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं रूम स्पेस के बारे में। तो रूम स्पेस देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये ही डिटरमाइन करता है कि तुम्हारे रूम में कोई है या नहीं है। अब एक सिंपल सी बात सोच के देखो, अब मैं तुम्हें दो सिनेरियो दिखाता हूं, तुम बताना कि किसमें तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा कि ये रूम खाली है या नहीं है, ठीक है, तुम बताना कमेंट में। नाउ दिस इज सिनेरियो 1, जहां पे तुम मेरे पीछे देख सकते हो एक दीवार है और तुम्हें कुछ नहीं पता कि इस रूम में कौन है और कौन नहीं है, तो सिर्फ एक दीवार है और एक मैं हूं, तो ये एक रीजन हो सकता है रिजेक्शन का, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं मालूम पड़ रहा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में कोई और है भी या नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है ये देखो, दिस इज सिनेरियो 2, जहाँ पे तुम्हें मेरा पूरा रूम दिख सकता है, तुम्हें तुम ये दिख सकते हो कि मेरे रूम में कोई और है या नहीं है, और यही चाहिए एक ऑफिसर को, एक इंस्पेक्टर को जो तुम्हारा एग्जाम देख रहा है कि तुम्हारे रूम खाली है या फिर उसमें कोई और है। तो दिस सिनेरियो गिव्स अ मोर क्लियर पिक्चर कि तुम्हारा रूम खाली है और तुम रूम में अकेले हो, जो कि इस टेस्ट के एक रिक्वायरमेंट है कि तुम तुम्हारे रूम के अंदर अकेले होने चाहिए हो। So, टेस्ट स्टार्ट होने से पहले तुम्हें अपने पूरे घर वालों को ये बताना है कि तुम्हारे कमरे के अंदर, तुम्हारे कमरे में एक घंटे तक कोई भी एंटर ना करे, और उसके लिए तुम्हें साइन बोर्ड लगा सकते हो अगर तुम्हें कंफर्टेबल हो तो। अगर नहीं हो तो प्लीज इंश्योर करना कि तुम हर एक इंसान को ये बोल दो कि शोर और इस रूम में एंट्री बिल्कुल नहीं करनी है एक घंटे के लिए। ये ईयरफोन्स अगर तुम सोच रहे हो लगाने का, भूल जाओ, बिल्कुल वेल अलाउड नहीं है, इसको यूज नहीं करना। तुम्हारे एग्जाम के अंदर तुम्हारा फोरहेड, तुम्हारे ईयर्स बिल्कुल विजिबल होने चाहिए, तो इंश्योर करना कि तुम ये चीज नहीं यूज कर रहे हो। तुम अगर ये सोच रहे हो कि यार तुम्हारे रिलीजन में तुम्हारा तुम्हें सर ढकना पड़ता है, अगर तुम मुस्लिम या सिख या फिर और किसी कम्युनिटी से हो जिसमें तुम्हें सर ढकना होता है, तो उसमें इंश्योर करना कि तुम्हारा जो फेस होना चाहिए वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, और तुम ईयर्स कवर कर सकते हो अगर तुम्हारा रिलीजन वो अलाउ नहीं करता, तो वो एक्सेप्शन है। जहां तुम्हारा लैपटॉप है उसके आसपास कोई भी फोन, कोई भी किताब, कोई भी एक्सटर्नल चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे तुम चीट कर सको। अगर है भी और अगर तुम छुपाना चाहते हो तो इंश्योर करना कि वो कैमरे में ना आए और ना ही तुम्हें उसकी तरफ देखना है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, जब मैं अपने वेबकैम में देख रहा हूँ, देखो पीछे से लाइट बहुत ब्लीड कर रही है, तो जिसकी वजह से मेरे फेस पर डिस्टर्बेंस आ रही है, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि पीछे ले लाइट बंद कर देना और आगे वाली इतनी लाइट से वो चलने देना। जैसे कि अगर मैं उसको बंद कर देता हूँ अभी, तो देखो कितना इंप्रूवमेंट आता है। ये देखो अब फर्क देखो, अब मैंने ये ट्यूबलाइट बंद कर दी है, तो मेरा फेस बहुत वेल लिट है और इन दो लाइट्स की वजह से मेरा रूम भी बहुत वेल लिट है। और अगर मैं थोड़ा सा स्क्रीन नीचे कर दूं तो ये भी दिख रहा है कि मेरे रूम में कोई भी लोग नहीं है और मैं अपने रूम को पूरा दिखा पा रहा हूं कि भाई मेरे पीछे कोई नहीं है और मेरे साइड में भी कोई नहीं है। साइड तो ऑफकोर्स नहीं देख पाएंगे वो, बट स्टिल यू गेट द पॉइंट। 9th टिप ये है कि जब तुम्हें
एग्जाम देना है तो तुम्हें एक घंटे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर देखना है। तो जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूँ ना, तो देखो एक एक्टिंग करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो दिस इज माई सीरियस मोड जब मैं एग्जाम दे रहा था। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल जब मैं सिर्फ अपना कीबोर्ड और अपनी स्क्रीन देख रहा हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं देख रहा। अब अगर तुमने ये हरकतें करी जैसे कि तो ये रिजेक्ट हो सकता है टेस्ट। तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी है। तो तुम्हें ये हरकतें बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि ये एक रिजेक्शन का रीज़न हो सकता है। तो डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं दिखाना, सिर्फ तुम्हें फोकस करना है अपने कीबोर्ड के ऊपर और अपने स्क्रीन के ऊपर। कीबोर्ड और आई मूवमेंट अलाउड है, बट उससे ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना और ना ही ऊपर नीचे देखना। अब एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि तुम्हें कुछ लिखना भी नहीं है जब तुम एग्ज़ाम दे रहे हो। लिखने से क्या होगा, लिखने से सिंपल सा होगा, उसको दिख जाएगा कि तुम कहीं और लिख रहे हो, तुम्हारा हैंड मूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा और तुम्हारा जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक रिजेक्शन का रीज़न बन सकता है, तो ये भी नहीं करना है। इसके साथ साथ तुम्हें जो सिर्फ एग्जाम की विंडो खुलेगी, जो विंडोज में तुम विंडो खुलती है ना, जो टेस्ट की एप्लीकेशन खुलेगी, उसके सिवाय और कोई एप्लीकेशन नहीं खोलनी है। सब कुछ क्लोज कर देना, हर एक विंडो क्लोज हो जानी चाहिए। सिर्फ एक डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट की जो ऐप वो खुली रहेगी, और उसके साथ साथ ट्राई भी मत करना कोई दूसरी ऐप खोलने का, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। ना इसी के साथ साथ ग्रामरली या फिर कोई भी प्रिडिक्टिव टेक्स्ट होता है ना, वो यूज मत करना, पकड़े जाओगे, रिजेक्ट हो जाएगा, मत लो रिस्क। अब बात करते हैं कि इक्विपमेंट तुम कौन कौन से यूज कर सकते हो। नाउ एक बात को बहुत ध्यान से सुन लेना, तुम्हें कोई भी इनबिल्ट कैमरा जो वेबकैम होता है वो यूज़ नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ लैपटॉप का ही वेबकैम यूज़ करना है अगर तुम्हें रिजेक्शन नहीं चाहिए तो, ठीक है। सिर्फ इसका यूज़ करना है, ना हेडफोन लगाने हैं, ना कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ इनबिल्ट माइक, इनबिल्ट स्पीकर्स, इनबिल्ट कैमरा ही रखना है टू जस्ट गेट दिस टेस्ट पास्ड, ओके। इसके सिवाय तुम कुछ भी यूज़ करोगे तो देर माइट बी अ चांस वो डिटेक्ट हो जाएगा इनिशियल स्क्रीनिंग के अंदर। अगर वो स्क्रीनिंग में डिटेक्ट नहीं हुआ और बाद में हो गया तो वो रिजेक्शन का कारण बन सकता है। तुम एक कीबोर्ड और एक माउस का यूज़ कर सकते हो, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, बट उससे ज़्यादा इसमें सेकंड मॉनिटर भी लगाना या स्क्रीन शेयर करना या फिर स्क्रीन मिरर करना भी अलाउड नहीं है। तो अगर आप वीडियो के यहाँ तक आ चुके तो जो एज मैंने प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें एक लास्ट मिनट टिप दूंगा, वो ये है कि इस टेस्ट के लिए अपना पासपोर्ट, अपना एक घंटा और अपना लैपटॉप बिल्कुल रेडी रखना। शुरू में एक छोटी स्क्रीनिंग होगी जिसके अंदर हर चीज़ चेक होगी, तुम्हारा वेबकैम चेक होगा, तुम्हारा माइक्रोफोन, तुम्हारा स्पीकर, हर चीज़ चेक होने के बाद ही एग्जाम स्टार्ट होगा। और उसके लिए तुम्हें टाइम मिलेगा कि चिंता मत करना, तुम्हारी फोटो भी खींचेगी ऑनलाइन ही तुम्हारे वेबकैम से ही, और पासपोर्ट तुम्हारा स्कैन होकर उसमें अपलोड भी होगा। तो अपना पासपोर्ट हैंडी रखना और ऑल द वेरी बेस्ट हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है या कोई तुम्हारा किसी तरीके से रिजेक्शन आ चुका है, आ गया है, तो कमेंट में लिखो। अगर किसी को सोल्यूशन का पता होगा या मेरे को पता होगा तो मैं उसका सोल्यूशन दूंगा, और अगर नहीं पता होगा तो किसी तरीके से कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, उनके साथ शेयर कर दो जो लोग ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट देने वाले हैं, क्योंकि ये टिप्स इतनी इंपॉर्टेंट है, वरना तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा, पैसे भी खराब हो जाएंगे, और एडमिशन नहीं होगा वो अलग चीज़ है। तो शेयर कर दो, ठोक दो, सब कुछ तुम्हें पता ही क्या करना है। ओके बाय।